बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। तो मैं कहां से शिवराज सलमान बनूंगा, पर दोनों में एक खूबी तो है, अच्छी एक्टिंग कर लेते। तो मैं शिवराज सिंह को कह रहा हूँ बंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, भाई साहब आज कमलनाथ जी बड़वानी में सभा करी थी और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुंबई जाना चाहिए, क्या कहेंगे भैया? शिवराज जी जन नेता है, जनता उनको चुनती है और जनता के दिल में बसे हैं, तो इसलिए शिवराज जी की तुलना सलमान से नहीं कर सकते, वो उनके नाखून के बराबर भी नहीं। कांग्रेस अब आदिवासियों के सम्मान की यात्रा निकाल दी, तो क्या बीजेपी में आदिवासियों का शोषण हो रहा है क्या? बताएं कमलनाथ जी, कहाँ शोषण हो रहा है? जितनी योजनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई 20 साल लगभग हमने इस प्रदेश में राज किया, कर कुल मिलाकर पटवारी का कार्यकाल और सब मिला ले 50 साल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 50 साल और हमारे 20 साल की तुलना कर लें, सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए योजनाएँ बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, क्योंकि हमारी नीति पंडित दीनदयाल जी की, जहाँ अंत्योदय की बात की हमने, गरीब व्यक्ति को उठाने की बात की। केंद्र में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीबों की योजनाएं बनी है, तो नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में बनी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जो देने का काम किया है निःशुल्क कोविड के दिनों में, हमारी सरकार ने किया। कमलनाथ जी एक आध उदाहरण बता दें कि कांग्रेस ने कभी गरीबों की इतनी चिंता की। आज बड़वानी में जो रैली निकाली गई थी उसमें जयेश का जो झंडा है उसके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी संबोधित किया है, तो क्या जयेश और कांग्रेस एक ही है क्या? देखिए इस देश में मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के बैनर तले मोदी जी का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि ना कांग्रेस में दम है अकेले मोदी जी का विरोध कर सके या मोदी जी को हरा सके, ना किसी अन्य दलों में, तो सब मिलकर छुटपुट एक छतरी के नीचे आके सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। इससे मोदी जी को भी फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता मोदी जी के साथ। धन्यवाद।